दोस्तों इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है कि आज बड़े से बड़े एक्टर से ज्यादा चाइल्ड आर्टिस्ट के अभिनय को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि चाइल्ड आर्टिस्ट ही वो शख्सियत होती हैं जो कि अपनी प्यारी सी स्माइल और चंचल स्वभाव से सभी का दिल जीतते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड आर्टिस्ट अपने अभिनय की दुनिया में हमेशा सक्रिय रहें, क्योंकि पढ़ाई भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ना। इसलिए तो एजुकेशन को पूरा करने के लिए कई बाल कलाकारों यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट ने टीवी के करियर को बीच में ही छोड़ दिया। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं नन्हे मुन्ने चाइल्ड आर्टिस्ट से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए टीवी इंडस्ट्री की दुनिया को टाटा बाय बाय कह दिया। तो फिर चलिए देर न करते हुए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन से हैं वो चाइल्ड आर्टिस्ट। नंबर एक, इशिता पांचाल। जी हाँ, छोटे पर्दे के मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट इशिता पांचाल को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने उत्तरण सीरियल में तपस्या का किरदार अदा किया था जिसे निभाकर ये दर्शकों की फेवरेट बनी थी। लेकिन इस सीरियल के बाद कुछ शोज करके इन्होंने टीवी इंडस्ट्री से दूरी बना ली और आज ये अपनी टीवी इंडस्ट्री को दुनिया को छोड़कर आईएएस की तैयारी में लगी हुई है। नंबर दो, स्पंदन चतुर्वेदी। अगर आप सभी ने उड़ान सीरियल देखा होगा तो आप तो चकोर को अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिन्होंने बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और इस किरदार को अभिनेत्री स्पंदन चतुर्वेदी ने निभाकर काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इसी के बाद से ही किसी और सीरियल में नजर नहीं आई क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करनी चाहिए, इसलिए तो आज ही अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने के लिए मायानगरी से दूर है। नंबर तीन, पलक पांचाल। साथ निभाना साथी और ना जाना दिल से दूर सीरियल में काम करके मशहूर हुई बाल अदाकारा पलक पांचाल भी 4 सालों से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं, क्योंकि जब ये टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही थी तो ये अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए इन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया है। नंबर चार, शिवांश कोटिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में छोटे नक्श का किरदार निभाने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट शिवांश कोटिया से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ ही होंगे, जो कि सीरियल में अपने चुलबुले और नटखट अंदाज से फैंस का दिल जीतते हुए नजर आए थे। लेकिन इस सीरियल में काम करने की वजह से इनकी पढ़ाई में बाधा आ रही थी, इसीलिए इन्होंने भी टीवी इंडस्ट्री से थोड़े वक्त के लिए शायद ब्रेक लिया है। नंबर पाँच, झनक शुक्ला। टीवी के टॉप पॉपुलर शो करिश्मा का करिश्मा में करिश्मा का किरदार निभाने वाली नन्ही सी बाल कलाकार शुक्ला आज काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपना सीरियल और मूवीज में काम किया था। लेकिन कुछ सालों से मायानगरी से बेहद दूर हैं, क्योंकि अब इनका इंटरेस्ट टीवी की दुनिया में नहीं रहा बल्कि और किसी फील्ड में नाम कमाने का है, जिसकी पूरी पूरी तैयारियां भी कर रही हैं। नंबर छह, रूहानिका धवन। चाइल्ड आर्टिस्ट रूहानिका धवन को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि ये है मोहब्बतें में छोटी रूही का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। लेकिन इस सीरियल में लॉन्ग टाइम तक काम करते हुए ये भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर नहीं पा रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक्टिंग की दुनिया को बीच में ही छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और आज भी अपना पूरा वक्त और पूरा फोकस पढ़ाई पर दे रही हैं। नंबर सात, गौतम आहूजा। ये है मोहब्बतें सीरियल में छोटे आदित्य का किरदार निभाकर गौतम आहूजा ने खूब ज्यादा फेमसिटी और पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस सीरियल के बाद ये बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन आज ये टीवी इंडस्ट्री से काफी दूर है, क्योंकि अब ये टीवी इंडस्ट्री के फील्ड में नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जिसके चलते अब ये बिजनेस स्टडीज पर ध्यान दे रही हैं। नंबर आठ, आर्यन शर्मा। दिया और बाती हम सीरियल में नाम सुनकर तो आपके जहन में भी आर्यन शर्मा का नाम जरूर आया होगा, जो कि इस शो में सूरज के छोटे भाई छोटू का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। लेकिन इस सीरियल के बाद भी ये टीवी इंडस्ट्री के किसी और दूसरे सीरियल में नजर नहीं आए, क्योंकि इन्हें पढ़ाई जो करनी थी और आज भी अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त हैं। नंबर नौ, हर्षिता ओझा। अगर आप सभी ने वीर की अरदास वीरा सीरियल देखा होगा तो आप सभी को छोटी वीरा तो जरूर याद ही होंगी। जी हाँ, ऐसी छोटी वीरा के किरदार को पर्दे पर पेश किया था चाइल्ड आर्टिस्ट हर्षिता ओझा ने, मगर इस सीरियल में काफी समय तक काम करने के बावजूद भी मायानगरी से इन्होंने दूरी बना ली, क्योंकि अब इन्हें टीवी इंडस्ट्री में नहीं बल्कि अदर फील्ड में अपना करियर बनाना है, जिसके चलते ये अपनी पढ़ाई पर अभी से फुल फोकस में लगी हुई है। नंबर दस, ध्रुति भाटिया। भगवान कृष्ण के अवतार को जिंदा रखने वाली नन्ही सी और प्यारी सी बाल कलाकारा ध्रुति भाटिया को तो आपको याद ही होंगी, जो कि जय श्री कृष्णा सीरियल में कृष्णा का किरदार निभाती हुई नजर आई थी। मगर इस सीरियल में काफी लंबे समय तक काम करने के बाद ये बाल कलाकार यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट भी अब किसी और सीरियल में नजर नहीं आई है, क्योंकि वर्तमान में अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है। हालांकि पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद हो सकता है ये टीवी इंडस्ट्री में दोबारा से कम बैक कर लें। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पढ़ाई की वजह से इन बाल कलाकारों ने अपने करियर को त्याग कर सही किया या फिर गलत? आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जरूर। साथ ही साथ ऐसे और दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें।